आपको कहेगी कि अगर बाप के चैनल आप मेरे बाप तक जाते सुनिए, और अगर मैं ये कह देता कि आई इस महिला के माँ का चैनल, तब तो कहते कि बाप रे मैडम को गाली देना। आपने खुद ने आपको ये शोभा देता है कि क्या कोई महिला पत्रकार के बाल का और उसको पगली और पगली बोले? और एम्बुलेंस का सिस्टम ये था कि केवल तेल का पैसा लोग देगा और एम्बुलेंस ड्राइवर मेरे तरफ से फ्री था। जैसे अब हाजीपुर जाना है तो किसी गाड़ी का चार चक्का भरा ही पड़ा, उसमें तेल अगर 400 के आता है तो 400 के डालवा। लड़ाई क्यों? लड़ाई नहीं गलत बात। सुनिए ऐसे में सुनिए हाथ जोड़ कर दूंगे, ऐसे में माहौल खराब होगा। नहीं नहीं और मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे दरवाजे सबने आपको सपोर्ट किया। ऐसी क्या नौबत आ गई विपिन सर के साथ में कि ब्लॉक में पैसा देना पड़ गया और मीडिया को याद नहीं किया? मैंने ये बात नहीं बोला है कि ब्लॉक में देना पड़ता है, आप उसमें फिर करेक्ट करिएगा। मैंने कहा कि चार पांच लोग ये कहेंगे कि हम ठेकेदारी करें, हम ठेकेदारी करें और सबको हम कमीशन देंगे तो काम कैसे होगा धरातल पर? इसमें आपने ये भी बोला, इसलिए हमसे लोग रूठ गए। यहाँ तो ब्लॉक से कोई लड़ाई की बातें नहीं, उसमें मैंने चर्चा भी नहीं किया है। उसमें जो सवाल सबसे बड़े शिक्षक है मैथ के, सभी लोग आपको फॉलो करते हैं। भारत के बहुत पहले जाने से रिपोर्टर को, महिला रिपोर्टर को पब्लिक वीडियो बनाते हैं, कहां तक सही है सर? अभी वो आपके जो फॉलोअर है वो भी गाली दे रहे हैं। एक सवाल, बिल्कुल 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 सर, एक सवाल इसी को मैं थोड़ा सा एडिट कर दे रहा हूं सर, इसी में थोड़ा सा आप लोग खाली जवाब दिया जाना है, सवाल करिए ना तो जवाब कहां से मुझे सर? एक सवाल का जवाब अब लीजिए, अब आप सवाल यही रहे, सवाल यही रहेगा कि क्या सर को ये शोभा देता है कि क्या कोई महिला पत्रकार के बाल का और उसको पगली और पबली बोले, क्या शोभा देता है? नहीं, आप इतने रिस्पेक्टेड नहीं देता है। लेकिन एक बात सुन लीजिए, आपको कैसे शोभा दे दिया था पहले आके कि विपिन सर यही घूस खाने के लिए मुखिया बने हैं? अरे मैं जैसो को तैसा, हाँ ये शिक्षित नहीं है, ये शिक्षित नहीं है। इन्होंने कहा है कि विपिन सर के बाप का चैनल नहीं है जो हमारा दिल। एक सेकेंड, हम लोग यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, सवाल का जवाब होगा। तो आप ये मानते हैं कि रेखा जी ने पहले इस तरह के शब्दों का उच्चारण किया? मेरा मेरा एक क्वेश्चन, आप दोनों ने बाप का जिक्र किया, ठीक है सर, ये सवाल जानने से बात नहीं हुई। आप मैथ के टीचर हैं, बहुत बड़े टीचर हैं सर, आप अपने छात्रों के यूट्यूब चैनल पे निभा आप बताइए हम पढ़े कि जब सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया से जवाब ले रहे हैं तो शिक्षक से, ये कैसे होगा? स्टूडेंट के चैनल ये बता दीजिए, एक मिनट मेरी बात, आप अगर मुखिया से सवाल पूछ रहे हैं तो मुखिया जवाब दे रहा है, आप शिक्षक से सवाल पूछ रहे हैं तो शिक्षक जवाब दे रहा है। मुखिया का चैनल क्या नहीं बना? नहीं, जब आपने हमसे सवाल निभा जी ने किया तो मुखिया कह रहा, जब मैं बोल दिया तो ये कहते हैं शिक्षक कैसे कह रहा है लड़की के बाल ये नहीं करने के लिए? अच्छा तो आपने एक रिपोर्टर का जिम्मेवारी बनता है बिना साक्ष्य के उसको घुसखोर कहने, बिना साक्ष्य के गलत बात। कारण सुन लीजिए, आपने बताया नहीं, यहाँ सब मीडिया है, बिना साक्ष्य के किसी को घुसखोर बोल सकते हैं? आप एक दूसरे का रिकॉर्ड करिए, एक मिनट, आप यहाँ या तो इस बात को, अरे भाई लड़ाई, ये लड़ाई वाली बात, एक बात मेरे सवाल को सुने फिर आप जवाब दीजिएगा। आपने कहा कि मीडिया कुछ हो कर सकता है बिना साक्ष्य के, गलत हो सकता है। खुद वीडियो बनाते हैं, आप ये कह सकते थे कि किसी व्यक्ति ने आप पर घूस का भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, आप ये कह सकते हैं? मेरा सवाल, आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते, सवाल सुनिए।
मेरा सर हमने वीडियो देखा है इतना आईक्यू लेवल मेरा मीडिया जो है सर दो पौड़ी के मीडिया है आप कहीं ना कहीं वीडियो में बोलते हैं कि माइक उठा के चली आई है पत्रकार कौन बना इसलिए देखिए सारे मीडिया को मैंने दो पौड़ी कहा है वीडियो देख लिया नहीं सर लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप गलत छापेंगे गलत अगर बनाएंगे अब बताइए पूरे पंचायत का पूरी मैडम सुनिए आप पूरे पंचायत घूम आ कहीं कि हमारा एको को कहीं काम नहीं दिखा मैं आपको काम दिखाऊं अभी कुछ लोगों को दिखा के लाए हूँ क्या है पूरे पंचायत घूमे हैं पंचायत के अंदर हम काम दिखाएंगे कैसे आप कह दिए कि हमको एक काम नहीं दिखाई मुखिया आज तक एक काम नहीं दिखाया कुछ नहीं आपने जो बोला पंचायत का बात ऐसा बोला पूरे पंचायत चारों कोना घूमे हैं और एक काम हमको नहीं दिखा उसका काले वाले बात के हम आपका समर्थन करते हैं हम काफी गर्व भी हमें लेकिन अभी मैं रिपोर्टिंग करके आ रहा था एक महिला जानते हैं क्या बोली है 1200 रुपया विपिन तेरे हमसे मांगे थे तब बोले एम्बुलेंस का सेवा आपको देंगे और चुनाव के बाद एम्बुलेंस नहीं चलता है अभी हम रिपोर्टिंग करके एम्बुलेंस सुन लीजिए क्या कहना चाहेंगे सर हाँ एम्बुलेंस मेरा खुद का जी वो कोई सरकारी चीज नहीं ठीक है मेरे चीजों पर मेरा पूरा अधिकार बनता है अरे चुनाव के टाइम में नहीं भाई दो साल पहले से चलता है नहीं बात करने वाले सर तो बोले एम्बुलेंस जो है 2 साल पहले से चलते और जो लड़का इल्जाम लगा रहा भैया वही लड़का जो है एम्बुलेंस चलाता था और एम्बुलेंस का सिस्टम ये था कि केवल फेयर का पैसा लोग देगा और एम्बुलेंस से कहीं भी जा सकता है जैसे ड्राइवर मेरे तरफ से फ्री था जैसे अब हाजीपुर जाना है तो किसी गाड़ी का 4 चक्का भरा 1000 उसमें तेल अगर 400 रुपया 400 के डाल और वही लड़का एम्बुलेंस चलाता था होता क्या था वो लड़का जाके किसी से पैसा लिया किसी से नहीं भी लिया बहुत ऐसे आदमी होते थे सोचता था कि मुखिया वाला तो एम्बुलेंस है अब तो फ्री में चलना तो होता क्या था कि जिन घर कभी तेल खत्म हो गया और किसी को इमरजेंसी में सेवा आया तो उस समय तेल नहीं है कोई फ्री में चल गया तो होता क्या था कि इस वजह से एम्बुलेंस का मैनेजमेंट सही नहीं होता था कोई अगर पैसा दिया उसको तेल भराने के लिए तो खुद खा गया खुद रख लिया इसके वजह से एम्बुलेंस हमने कहा कि भाई ऐसे में ये मैनेजमेंट सही नहीं ऐसे नहीं चलेगा वो रखा रखा पड़ा हुआ है मैं आज ऑन कैमरा सबको कहता हूँ कि कहिए उस लड़का को अगर उसमें दम है तो वो अपने मैनेजमेंट से हम एम्बुलेंस देते हैं और वो चलाए चाहे वो कमाए या फ्री चलाए सेवा करने के लिए हम एकदम तैयार है एम्बुलेंस मेरे सामने रखा हुआ एम्बुलेंस की ये कहानी ठीक है सर एम्बुलेंस तैयार है एक महिला रिपोर्टर को आप बोलते हैं पगली पगली और महिला रिपोर्टर हमको कहेगी कि अगर बाप के चैनल आप तेरे बाप तक जाते सुनिए और अगर मैं ये कह देता कि इस महिला के माँ का चैनल तब तक कहते कि बाप रे बाप मास्टर हो आप तेरे बाप को कह दिए मेरे बाप का कोई मान सम्मान नहीं है बिल्कुल सम्मान है नहीं है ना पंचायते को दिखाते हैं कि सगरो दिखता है तो हम सगरो दिखाते हैं ना विवादित माहौल बन गया सारे लोग इसको लेकर के आप ही की बात को लेकिन सर को वैसा बोल देती है सही था ना ई बात जब आप गलत बात सुनिए पूछिए ना पूछिए लड़ाई लड़ाई नहीं गलत बात ऐसे में सुनिए हाथ जोड़कर ऐसे में माहौल खराब होगा
और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे दरवाजे पर एक मिनट मैं बता देता हूँ, इन्होंने मुझे इस तरह की बातें कही। अब ये मैं भी क्षमा चाहता हूँ, आपके पंचायत के लोगों का आरोप है कि मुखिया बनने से पहले आप हर द्वार पर गए, सबका हाथ जोड़े। अरे आराम से भाई, आराम से मुझे खड़े हो जाइए। अच्छी बात है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट अच्छा प्रश्न है। इनका कहना ये है कि आप स्टूडेंट को कहते कि निभा मैडम को गाली नहीं दे चाहिए। एक बात बताइए, निभा मैडम वीडियो होगा सब लोग, मैंने कहीं वीडियो में ये कहा कि निभा मैडम को गाली देना? आपने खुद आप मैंने ये बोला है कि निभा मैडम को गाली दीजिए? मैंने बोला है कि वो गलत वीडियो बना, रिपोर्ट कीजिए। किसी पर करते हैं सर गाना गा के, आपको मालूम है सर कि कितना नया नया यूट्यूब चैनल खोला है जो सिंगिंग करके आपको देख के सर फॉलो कर रहा है। क्या आप गाली से ज्यादा गंदा आपने मेरे बारे में बोला है? सोचिए मैम, आप मेरे पास तक पहुँच गए, मैं उससे नीचे हूँ सर, मैं उससे नीचे हूँ। आप मुखिया है, मुखिया से सवाल जरूर करें। आपने बताया था सर, आपने इतना लाइन से सवाल नहीं उठाया। थोड़ा बैठिए ना सर, बैठने चाहिए। आप एक वीडियो में बताए मैं जर्मनी किया हूँ, भोपाल यूनिवर्सिटी में, नो डाउट शिक्षित रिपोर्टर को, क्योंकि हर चीज का नॉलेज देता है। ठीक है, आप पंचायत में नो डाउट एक पिकेट ईट उठा के आपने सीधा सवाल किया, ये दो नंबर का काम रहा है, तीन नंबर। आपको पता होना चाहिए था ना कि दो पिकेट ईट से कोई ऐसा मिस्त्री नहीं है कि वो दीवार भवन बनाते। आपका क्या नाम है? क्या सवाल सुन लिए विपुल? विपुल का क्या काम होता है आपको पता है? ठीक है, एक सेकंड, जस्ट अ मिनट, आप मुझे बोलने दीजिएगा। हां बोलिए। आप लोगों ने रिपोर्ट ऐसे नहीं किया, रिपोर्ट का कभी भी सही चीज नहीं है। आप समाज के आईना मैंने दो चीज, पहली बात सुन ले, अगर मैडम कहती है कि अगर मैंने ऐसा शब्द बोला है तो मैंने गलती किया है, आप क्षमा मांगे, आप क्षमा नहीं मांगेगा। मैडम अगर कहती है कि हमसे गलती हुआ है तो ये निश्चित है कि हमसे गलती हुआ है। इनके गलती को मैंने दोहराया, अगर इन्होंने कहा कि मैंने गलती नहीं किया है इस तरह से, जिनको अपनी बाजी से जिनको जो लिखना है अब लिख सकते हैं, वो सकते हैं। देखिए मैं कितने लोगों की हेल्प करती हूँ, आप समाज सेवा है, सेवक है ना, मैं भी वही हूँ, मैं भी लोगों के लिए काम करती हूँ। समाज सेवा का काम है बात का करिया ना, गाली देना। मैं बात देखिए पर्सनली रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग बात बोलिए, ठीक है, रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग है। सबसे पहले हाथ जोड़कर सबसे पहले मेरा घर है, यहाँ पर काम की क्या बात है, यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं, अपनी अपनी घर पर रख रहा हूँ, अपनी अपनी आराम से तर्क रखिए, आराम से तर्क रखिए, बैठिए आराम से। मैं कितने में कैसे बोलिए, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ बना बोलिए, लाइव चला बोलिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, उसके बाद आप लाइव को खत्म कर दीजिए, मुझे प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसके बाद कोई लाइन नहीं, अब बस बोलने दीजिए, आप कोई
बीच में मत करिए। मैं एक पत्रकार हूँ, ठीक है, मैं लोगों की समस्या को दिखाती हूँ और शायद सर गांव के मुखिया है, हम इनके गांव की समस्या को भी दिखा। तो सर देखिए मेरा काम है, मैंने वो किया, लेकिन सर का काम जो था कि सर अपने पंचायत और अपने गांव के लोगों को समझाए और ये बताए कि हालांकि मेरे पास अभी फंड नहीं है, हम उस काम को करेंगे। सर को वो करना चाहिए था, लेकिन सर ने वीडियो बना करके अपने जितने भी स्टूडेंट है, मिलियन करोड़ों के स्टूडेंट, उन लोगों को भड़काया है मेरे खिलाफ, ठीक है, कि इनके चैनल पर रिपोर्ट मारो। तब मैंने बोला और बार बार मुझे मैसेज आ रहे थे, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरा प्रूफ है कि तुम्हारा चैनल 12 घंटे में डिलीट हो जाएगा। तब मैंने डिलीट हुआ है कि नहीं चैनल आपका? डिलीट नहीं, लेकिन ये चीज धमकी देना गलत बात है। अगर आप पत्रकार हैं मैडम, आप अगर ये बात किसी भी बात को और गलत चीजों को ज्यादा फैलाना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सर इस पूरे मुद्दे का निचोड़ बताइए। सर एज ए पत्रकार, एज ए युवा, एक रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के करेंगे। आपके जो बच्चे वीडियो देखते हैं, आपको गुरु मानते हैं, भगवान मानते, पहले ही बताते हैं, सर आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि इन्हें गाली ना दे, और आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप किसी के माँ बाप को नहीं बोले। एक सेकंड, और ठीक है, ठीक है सर, आप बोले कि मैं गलत, आपको रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात को, मैं खुद आपकी बहुत बड़ी क्या कह सकते हैं कि मैं फैन भी हूँ। मैं एक चीज आप सबको कहूंगा, बिल्कुल सुन लीजिए पूरा, अगर आप इतना समझते हैं कि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक नाते पूछते हैं, बिल्कुल, चलिए मुखिया के नाते इन्होंने पूछा था, मुखिया के नाते इनको जवाब दिया गया, गलत बात। आप सब एक समाज के आईना है, कभी भी पत्रकारिता करते हैं दोनों पहलू को दिखाइएगा, जब किसी पर इल्जाम लगे तो उससे भी पूछ लीजिएगा, तब उसे छोड़ करिए। मैंने खुद बुलाया, मैंने खुद बुलाया, बंदर हो गया है, तब आइए। सर यहाँ हो गया, हो गया रिपोर्ट फिर बना जाएगा। अब आप सबसे रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप रिपोर्ट मांगेंगे, कोई हमसे पूछेगा, ये बात विवाद करते। मैंने पहले कहा कि अगर इनको लगता है कि जो इस तरह से मुझे इल्जाम लगाए थे ये गलत हुई है, तो मुझे मैंने भी जो बोला बिल्कुल गलत है। मैं इस चीज को यहाँ से मैं संदेश देना चाहूंगा कि सबको पता है, आप लोग बिहार से ही हैं, अपने अपने पंचायत को कितना काम अभी तक आपके पंचायत में हुआ होगा, बिल्कुल कितना हमारे वहाँ देख लीजिए। अगर मैं किसी से पीछे हूँ तो मुझे कह दीजिए। ठीक है सर, पत्रकार पत्रकार गलत सवाल उठाने के लिए नहीं था, पत्रकार समाज की सच्चाई को दिखाने के लिए। हम पत्रकार, अच्छा ये माइक हमको दे दीजिएगा, हमसे तो मेरा माइक कुछ नहीं व्यक्ति का, मैं भी युवा और आप सब युवा, आप सब युवा, बिल्कुल हम ये युवा चाहेंगे तो मिलकर समाज को बहुत आगे और देश को ले जाएंगे, बिल्कुल सही बात है। आप भी अपने क्षेत्र के क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, सवाल उठाना साधारण बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ, ये सवाल करना क्रांतिकारी कदम है, ये सवाल जब उठते हैं तो बहुत कुछ बदलता है, बिल्कुल। लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सबसे है कि जब भी कभी सवाल उठाइए तो किसी को चोर बेईमान कहने से पहले उसको साक्ष्य जुटा लीजिएगा, तभी करिए, यही संदेश देना चाहिए। दूसरा बात कि अगर देश का हर मुखिया, मैं काम कर रहा हूँ, आप आइएगा मेरे पंचायत में, सबका स्वागत है, जब भी काम कर काम की जांच करने आइएगा और देखिएगा कहीं कोई नहीं रोकेगा आपको, आप हमें कहिएगा कोई रोक दिया तो हमें कहिएगा, स्कूल बदल जाएगी, जिस स्कूल को निशाना दिखाई थी बहुत जल्दी बदलेगा, मुझे 5 साल बदलना।
अभी मैं लेकर दिखाऊंगा। आज ही मुझे चिट्ठी आई है कि लोहिया स्वच्छ मिशन बन जाएगा, हर जगह शौचालय बनेगा, इसके लिए मुझे आज चिट्ठी मिला है। और यही शौचालय आप 10 दिन पहले कहते आते हैं, 5 दिन पहले, घर घर में शौचालय क्यों नहीं है, मुखिया घुसखोर हो जाए तो गड़बड़ हो जाए। सवाल तो आप पता चुका लीजिए कि इनको फंड कब मिला, कब तक की काम है। मेरे पास तो साधन है, तो मैंने लोगों को बताया कि मैंने क्या गलती किया। सोचिए, और जिन लोगों के पास अगर ये साधन नहीं होता वो तो मरते। आप ऐसे अगर रिपोर्टिंग करके फांसी लगा लेता तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले कि जैसे को अगर इन्हें अफसोस होगी कि उन्होंने गलती इंटरव्यू नहीं हुआ सर। पर्सनल किसी नहीं, तो वही चीज है ना। अगले दिन मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं है, आपके सारे सवाल का मेरा भी यहाँ सारे भाई मौजूद हैं, मैंने सबके कोशिश किया जवाब देने। आपके सवाल का जवाब तो बहुत पहले से दे रहा हूँ, आपने जो सवाल वीडियो बना के आप सर, आप एक रिक्वेस्ट है कि आप एक दूसरे को प्रतिक्रिया देना बंद किया दोनों मेरे तरफ से बंद है। नहीं सर, बंद है, बंद हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट है सर, मैं धमकी दे रहा हूँ, विभाग को आप माफ करिए। क्या पूरे भारत भर के लोगों का मोबाइल नंबर मेरे पास है? हाँ, ये मुझे कहिए कि मैं हाथ जोड़ के लोगों को कह दूंगा कि किसी को धमकी ना दे। लेकिन मैंने किसी को ये नहीं कहा कि तुम धमकी दो। अब फिर वही सवाल बार बार।